हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सुबह हमारी हो चुकी है और सीजल का आज पेपर है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का सैम्पल पेपर। बेसिकली जहाँ पर ये एकेडमी में जाती है पढ़ने के लिए, वहाँ पर है टेस्ट। तो अभी सुबह ही मैसेज देखा तो फिर ये तैयार होगी फटाफट, तो जाएगी अब वहाँ पर पेपर देने के लिए। थोड़ा सा रिविज़न भी हो जाएगा, अच्छा रहेगा। और इधर अपना चीता लेटा है मस्त, अभी उठ गया था लेकिन ये अभी फिर चित्त हो गया है। अपनी अहली इधर चित्त रखी है नीचे मस्त। तो चलो ठीक है, इसको सेजल को छोड़ कर आएंगे और फिर देखते हैं क्या रहता है। अब सुबह सुबह कुछ मिला नहीं खाने वाने का जुगाड़, तो फिर ये मैगी बना रही है अपने लिए, ऑल एंड ऑल मैगी। दो मिनट रुक सकते हैं, करके बंद रह सकते हैं मैगी। जबकि क्या करें, ये देखो खुश, देखो कितनी है वो मैगी के लिए। अगर यही रोटी सब्जी दी होती ना तो अभी मुंह बन जाता। लेकिन चलो ठीक है, कोई नहीं यार, फटाफट खा के कुछ चली जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी यार रात मेरी भी बुंगी इतनी भयंकर बच गई थी ना, हालत मेरी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी यार। लूज मोशंस टाइप हो गया था, पेट में हल्का हल्का दर्द और न जाने क्या क्या। और दीप्ति की भी अभी भी तबीयत उतनी सही है नहीं, और मेरा भी मतलब ठीक है, थोड़ा कमज़ोरी सी लग रही है, लेकिन चलेगा, देखते हैं आगे क्या रहता है। अपने सीजर को छोड़ने के लिए फटाफट छोड़ देता हूँ उसको। ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, 10 बजे से है तो 9:59 हो ही गया है ऑलमोस्ट। फटाफट चलते हैं, बाइक से चलते हैं फटाफट। सीजर को छोड़ के आ गया हूँ, अब चलते कुछ थोड़ा सामान लेने ब्रेकफास्ट करने का। भूख लग रही है यार, तो ब्रेड वेड अंडे ले आते हैं, कुछ थोड़ा वो ले आते हैं, मक्खन ले आते हैं, तो यही आज ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फटाफट। बनाने का थोड़ा सा वो रहेगा, जल्दी बन जाएगा। चल भैया रुष्ट। बहुत ही भयंकर धूप का नज़ारा, बादल भी हैं थोड़े बहुत मस्त वाले। और ये ले आया अपनी साइकिल, तो साइकिल में जाना पानी, साइकिलिंग करनी थी तो ये साइकिल ले आया भाई। तो इसको ये सामान वामान ले आता हूँ, फिर एलियो को मान लेके जाता हूँ यार, उसको भी लेके नहीं गया हूँ सुबह से, तो वो भी बैठी होगी, उसको भी लेके जाना है। सामान हमने ले लिया है, ब्रेड और बाकी सामान। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आजकल थैला साथ लेकर आएँ, क्योंकि पॉलीथीन बैन है सब जगह आजकल, तो हर जगह ही जहाँ पर भी जा रहे हो थैला तो साथ लेकर ही जाना पड़ेगा। तो ये अच्छी आदत है कि आप थैला साथ लेकर के जाएं। किचन की आप हालत देख सकते हो यार, क्या ख़तरनाक हालत हो रखी है। मुझे बाई बनना ही पड़ेगा दोबारे, अभी तो मेरी भी बची हुई है, लेकिन ये सारा काम तो करना ही पड़ेगा। तो अभी बना रहा हूँ ब्रेड और बटर हम तीनों के लिए, पहले वो बना लेता हूँ, खा लेते हैं, उसके बाद फिर ये साफ़ सफाई का कार्यक्रम शुरू होगा, और उससे पहले फिर एली को घुमा के लेकर आऊँगा। तो फटाफट ये ब्रेड सेक लेता हूँ बटर के साथ, बटर भी लो फैट लेकर लाया हूँ, डिलीशियस वाला, तो अच्छा रहेगा सबके लिए। तो फटाफट ये सेक लेते हैं ब्रेड और ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फटाफट। तो ब्रेकफास्ट मैंने बना दिया है, तो फटाफट इसको आरुष को और दीप्ति को दे देते हैं यार खाने के लिए ना। तो मैंने अपने लिए भी बना दिए हैं यार, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हालत देख रहे हो मेरी, बिल्कुल पसीने ही पसीने से लबालब हो चुका मामला, बन गया अपना भी नाश्ता। तो फटाफट चलते हैं और ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आरुष आ गया है ट्यूशन से पढ़ के, और अभी हम जा रहे हैं इसका बैग दोबारा सही कराने के लिए। ये बैग हमने सही करवाया था, और दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर ये देख सकते हो आप। तो यहाँ पर उन्होंने क्लिपिंग नहीं लगाई है, तो यहाँ के नीचे वो निकल जाती है, तो बार बार आरुष को चेन को नीचे करता है और चेन वो बाहर निकल जाती है, उसके बाद वो ख़राब हो जाती है। तो मैं और आरुष जा रहे हैं इसको दोबारा से सही करवाने के लिए, और आरुष की पैंट भी सही करानी है, वो भी नीचे से पड़ रही है, और इसने आसन फाड़ दिया है इस पैंट का, तो इस पैंट को भी सही करवा लेते हैं। अभी आए हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम में, राजनगर एक्सटेंशन पे, तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या बाइकें हैं रॉयल एनफील्ड की। छोले भटूरे खाने के लिए, तो चलो मैंने कहा सही है, यहाँ से छोले भटूरे ले लेते हैं, सही लग रहे हैं। बच्चे खा रहे हैं छोले भटूरे, और मैं खा रहा हूँ केला, और दीप्ति ने भी केले खाया, तो हम केला खा के संतुष्ट हैं। ये बच्चे खाएंगे छोले भटूरे, सही है, खाओ यार।
तो सेजल का ये प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट हो चुका है, अब इसको इस फाइल में लगाएगी वो, तो इसकी वो कर रहे हैं बाहर से पैकिंग एक तरीके से। मतलब मैडम ने बोला है कि इसमें आप जिलद चढ़ा के लाना। हाँ जल्दी जल्दी तो बोलते थे हम तो यही बोलते थे यार, बाकी पता नहीं। कवर चढ़ा के लाना, अब नया फैशन चल गया तो कवर चढ़ा के लाना, हम तो जल्द बोलते थे कि जल्द चढ़ा के लाना भैया। तो वही बन रहा है, वही लगा रहे हैं इसमें। और वो अपना आप रहने दो, काट मत उसको, अपना मुड़ जाएगा ना वहीं से गोला, तो इसके अंदर फिर भी ये सेजल ले जा लेगी अपना। ऐसा कवर लगने के बाद दिख रहा है, बढ़िया लग गया, बढ़िया हो गया यार ये, है ना। अब हाँ सारा का सारा इसमें ले जा लेगी, और इस पर अपना नाम और वो चिट चिपका देना है ना, उससे सही रहेगा थोड़ा, बढ़िया लग रहा है। गुड गुड गुड, गुड गुड गुड। और ये वाला एक्स्ट्रा मंगाया दीप्ति ने, जो कि इस विंडो पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ये चादर लगा रखी है, तो चादर का काम अब इससे सेट हो जाएगा, तो हमें चादर ही लगानी पड़ेगी। धूप आती है ना वहाँ से, राइट राइट, ठीक। फुल ऑन बादल हैं अभी भी, बारिश हर जगह हो रही है, मम्मी से भी बात हुई देहरादून में खूब बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा यार, सारे पापी यहीं आ गए लग रहा। यार बादल बहुत सारे हो रखे हैं यहाँ पर, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो ये सबसे बड़ी समस्या, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ही दिक्कत हो रही है। तो भगवान बारिश कर दे तो बढ़िया रहेगा। और बादल आपने देख लिए कि कितने बादल हो रहे हैं, लेकिन भगवान पता नहीं कब बरसात करेगा यहाँ पर। तो दोबारा से बुलाया भैया को एसी सही करने के लिए, तो देखते हैं। ये कुछ इक्विपमेंट लगाए यहाँ पर, जिससे कि चेकिंग हो रही है कि भाई कूलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी ये कुछ मशीन है, इससे इसकी सर्विसिंग होगी, कर रहे हैं। इधर इसे कहते हैं, आपको कहीं एली नहीं दिख रही होगी, और ये बालकनी में आ चुकी है, और वो भी डाइनिंग के नीचे। ये देखो डरखू इतनी है ना, कहाँ छुपी हुई है, देख रहे हो, डरखू लड़की है ये, इतनी डरखू। तो अभी ये पेपर यहाँ पे लगा देते हैं खिड़की पे, क्योंकि हमने यहाँ पर पर्दा टांग रखा था, मतलब चादर टांगी हुई थी बार बार, तो यहाँ से काफ़ी रोशनी अंदर आती थी, तो अभी लेकर आए थे, तो ये लगा देते हैं फटाफट। ये देना आरुष, सिर्फ टेप रखे यहाँ पर, चादर थोड़ी अच्छी नहीं लगती ना। हाँ, पेपर लगा के थोड़ा सही लगता है। और ये कुछ ऐसे लग रहा है, तो अब यहाँ पर्दे की या फिर कुछ चद्दर की जरूरत नहीं पड़ने वाली अपने को, नीचे रह रहा है, इसको भी लगा दूंगा अभी थोड़ी देर में। और ये कर रहा है इतनी शैतानी, और तब से खा रहा है डांट, तब से सबसे सेजल से चांटे खा रहा है, मम्मी से डांट खा रहा है, यही काम है इसका, और कुछ काम ही नहीं है। और दीप्ति थोड़ी सी टकाटक हो गई, तो उसने देखो बिल्कुल सफाई कर दी यहाँ की। हाँ सही। और यहाँ सेजल का चल रहा है, इसने बना दिया अपना हॉलीडे होमवर्क, वो जो मैं फाइल लेकर आया था जिसके ऊपर कवर चढ़ाया गया था, तो वो कुछ ऐसा हो गया हॉलीडे होमवर्क। तो बैन, तो रिलायंस रेस्क्यू वाले भैया देख करके जा चुके हैं हमारे एसी को, तो उन्होंने बताया कि उसमें कंडेंसर या कैपेसिटर होता है एक, जो कि 6015 या इस टाइप से कुछ था, वो चेंज होना है, वो ख़राब हो चुका है शायद, तो जिसकी वजह से कूलिंग नहीं आ रही है। और इधर मैंने ये नीचे वाले में भी ये फिक्स कर दिया है, लगा दिया है मतलब, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। तो अब यहाँ पर चादर की ज़रूरत ख़त्म, और दीप्ति हो गई है तैयार टकाटक थोड़ी, और जैसी थोड़ी सी टकाटक हुई उसने काम करना शुरू कर दिया। अब क्या ही बोलो, गंदा हो रहा था तो मैं करता ना धीरे धीरे करके यार। मैं झाड़ू लगा रही हूँ, पोछा आप लगा। हाँ पोछा मैं लगा दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक, मिलके कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है। और बर्तनों का ढेर भी लग रखा था इतना सारा, उसने आधे से ज्यादा तो बर्तन धो ही दिए, अब बचा ही कुछ नहीं है धोने के लिए। तो ये देखो इतना तो धो ही दिया, अब बचा ही कुछ नहीं है, यहाँ पर दो चार बर्तन बचे हैं, तो फिर कैसे चलेगा।
तो अभी जा रहा हूँ एली को घुमाने के लिए, सुबह से टाइम नहीं मिला तो अभी ये खड़ी है, तो चलते हैं यार इसको घुमा के लाते हैं, बेचारी सुबह से परेशान हो रही है। चलो एली, तो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं अपना गेम, कुछ रानी डैन वाला कुछ। मौसम बड़ा सही हो रहा है, सूरज देखो कितना शानदार लग रहा है, हवा भी बढ़िया चल रही है, पेड़ पत्तियाँ हिल रही हैं मज़ेदार तरीके से, लेकिन बादल उड़ गए हैं, बादल जा चुके हैं। आरुष गया खेलने के लिए फुटबॉल और मैं जा रहा हूँ अभी पनीर लेने के लिए, तो शाम को सोच रहा हूँ कि थोड़ा चिली पनीर टाइप का कुछ बनाया जाए, तो उसके लिए पनीर ले आते हैं और एली भी खा लेगी इस बहाने, क्योंकि वो भी नहीं खाती है, नहीं तो दिक्कत करती है, तो ये दो चीज़ें ले आते हैं। अभी पाँच चिली चिंग्स के चिली पाँच ले लिए हैं पनीर के मसाले। तो अभी दीप्ति बना रही है कॉफ़ी यहाँ पर, तो सही रहेगा यार, थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगी शरीर में, तो डलनेस जो लग रही है ना, ऐसा मुरझाए हुए से लग रहे हैं हम दोनों, तो थोड़ी सी एनर्जी सी आ जानी चाहिए कॉफ़ी पीने के बाद यार, हैं कैसा। हाँ हम क्या करें, वो थोड़ी सी हो ही जाते हैं ऐसे में, तो कॉफ़ी पीते हैं फटाफट, थोड़ा एनर्जेटिक अपना अपने आप को रखते हैं। और इधर सेटअप लगाया, थोड़ा सा डल सा फील कर रहा था, सोचा कि थोड़ा सा गिटार विटार बजाता हूँ तो थोड़ा सही लगेगा, तो इधर लगाया मैंने गिटार का सेटअप, तो आज चेंज कर दिया, पहले बाहर बजाता था, आज मैं बेडरूम वाले कमरे में मेरा बेडरूम में बजा रहा हूँ। तो चलो ठीक है, फटाफट से कॉफ़ी पीते हैं। आरुष को आ रही थी पढ़ते हुए नींद, तो सेजल ने इसका असली सही जुगाड़ निकाला है, ये देखो इसके यहाँ पे टेप लगा दी और यहाँ पर भी आंखों के ऊपर टेप लगा दी, ताकि इसकी पलकें झुके झपके ही ना, ये बढ़िया जुगाड़ हो गया है भाई, सही जुगाड़ है। ज़ॉम्बी लग रहा है मुझे देखने, चाइनीज ज़ॉम्बी, सही जुगाड़ है ये तो। चलो भाई करते हैं। अब आपके सामने प्रस्तुत है कच्चा बादाम दीप्ति द्वारा, तबीयत खराब में भी, ये देखो कोई नहीं कहेगा कि तबीयत खराब है। चलो हाँ चलो चलो जल्दी, 1 2 3 स्टार्ट। अरे गाना भी तो गाओ, कच्चा बादाम गज बेज गज बेज कच्चा बादाम। अभी जा रहा हूँ डोसे लेने के लिए और दीप्ति के लिए इडली लेने के लिए, चलता हूँ फटाफट ले आता हूँ, बगल से लाता हूँ, बाइक से चलते हैं। और ये गधा पता नहीं क्या हरकतें करता है, शक्ल देखो जी इसकी, ये पता नहीं अजीब ही हरकतें हैं इसकी यार। अभी आए हैं साउथ इंडियन डोसा पे, डोसा लेंगे तो तीन डोसे पैक करा लेते हैं, आर उसके लिए सेजल के लिए, और मैं और दीप्ति खाएँगे आधा आधा, क्योंकि इडली और वड़ा दोनों ख़त्म हो चुका है फाइनली, तो डोसा ही खाना पड़ेगा, तो डोसा लेके चलते हैं। तो फ्रेंड्स अपना खाना पीना हो चुका है सभी का, और आरुष तो चित्त भी हो चुका है, यहाँ पर सो चुका है, तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, मिलते हैं एक दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।